त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन मतगणना में ड्यूटी पर लगाए गए आरओ एआरओ को मंगलवार को योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में मतगणना ड्यूटी पर लगाए गए 21 आरओ तथा 380 एआरओ को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2 मई को 20 विकास खंडों में होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना में सभी आरओ व एआरओ मतगणना को कराएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग के द्वारा सभी आरओ व एआरओ को बुकलेट उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सभी जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मतगणना में 756 टेबल लगाए गए हैं तथा उन टेबल पर 10,000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को बुधवार से शुक्रवार तक प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण पाकर कार्मिक आवंटित ब्लॉक पर पहुंचकर मतगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना ड्यूटी पर लगाए गए कार्मिकों को 3 दिन पहले कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आपके यहाँ 48 टेबल लगेगी, कौड़ीराम में 44, कौड़ीराम में 44, ब्रह्मपुर 36, खोराबार आपके यहाँ 28 टेबल लगेगी, आपकी छोटा ब्लॉक है, तभी सरदार नगर। इस प्रकार से कुल 764 टेबल हमारी लग रही हैं और एक टेबल पर 4 कर्मचारी होंगे तो 764 × 4 इतने हमारे मतगणना कार्मिकों की आवश्यकता है, जिनका प्रशिक्षण कल से प्रारंभ होगा। हमने उसमें 20% रिजर्व रखा हुआ है और जिससे आपको वहां पे मिनिमम 10% रिजर्व अवेलेबल करा दें और वहाँ अगर कोई व्यक्ति लास्ट मोमेंट पे बीमार हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सके। ये आपका आज का एक दिन का प्रशिक्षण है, आपको अभी विस्तृत प्रशिक्षण आपके द्वारा दिया जाएगा। आपको बुकलेट और एक मटेरियल दिया गया है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लें। मेरा केवल अनुरोध एक दो है अपने अनुभव से, वो ये है कि वहाँ और कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिक्कत होती है इनवैलिड मतपत्र कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, उसमें आरओ या एआरओ का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ये लिखा पढ़ी में है कि एआरओ या आरओ ने जिसको जो कह दिया वो अंतिम है। नॉर्मली हम लोग रिजेक्शन में थोड़ा लिबरल इसलिए रहते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या है और वो जब मतदान करती है, जी कोई बात नहीं, हाँ, नॉर्मली जब वो मतदान करती है तो उतना वो भीग नहीं होती है। आप सुबह से ही एक जो व्यू लेकर के चलेंगे, ऐसा हुआ है कि कुछ मतदान केंद्रों पर जो हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है, वो स्वास्तिक का चिन्ह जो दिया गया था वो कोई चुपचाप लेकर के चला गया, तो हमारे पीठासीन अधिकारी ने ये कह दिया वहां पे कि आप उसकी जगह अंगूठे का निशान लगा दें और वो मान्य रहेगा। एक घंटे के लिए हमारे पास नहीं थी, अतः जो अंगूठे का निशान लगाया गया है उसे भी वैलिड माना जाए। तो ऐसे जो विवाद हैं, परंतु आपका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। हम लोगों ने अभी मतदान के समय ये किया है कि जो निर्णय पीठासीन अधिकारी ने दे दिया उस निर्णय को हम लोगों ने इंप्लीमेंट कराया। हमने ये नहीं कहा कि वो निर्णय गलत है या सही है, उससे बस आप जो निर्णय ले लेंगे हम लोग उसको इंप्लीमेंट करा देंगे। इंप्लीमेंट कराने का मतलब कि हम पुलिस के बल से या राजस्व प्रशासन के बल से उसको इंप्लीमेंट करा देंगे, परंतु जो निर्णय आपका हो एक बार उस पर सुबह मनन कर लीजिएगा और दिन भर उसका पालन करिएगा, ठीक है। जैसे जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है उसमें भी अभी ये डिटेल बताएंगे कि अगर कहीं मुहर लगी है, आधा ऊपर होगा तो उसके खाते में चला जाएगा, आधा नीचे होगा तो दूसरे खाते में चला जाएगा। इसी तरह से जो स्वास्तिक चिन्ह का जो रोटेशन है उस पर भी कुछ होता है। ये 5-6 पॉइंट है जिनको आप लिख करके रखिएगा और सुबह एक बार अपने मतगणना कार्मिकों को बता दीजिएगा, ठीक है।
और यदि मतगणना कार्मिक बीच में ऐसा करता है कि साहब ये वैलिड है या इनवैलिड है, आपने जो निर्णय ले लिया कि साहब ये वैलिड है उसको हम लोग बलपूर्वक वैलिड कराएंगे, जिसको आप कह देंगे कि इनवैलिड है वो फिर बलपूर्वक इनवैलिड रहेगा, आपकी टेबल उन चार टेबल के पीछे लगी होगी, फ्रंट पे आपके वो काउंटिंग वाले लोग रहेंगे, उसके बाहर एजेंट रहेंगे, और आप आगे आ जाइए आप लोग आगे आ जाए तो आपका ब्लॉक मालूम हो जाएगा किस ब्लॉक के हैं आप लोग अपने ही ब्लॉक पे बैठे मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ और प्रभारी अधिकारी कार्मिक हूँ। आज यहाँ पर हमारे जो रिटर्निंग अफसर हैं और सहायक रिटर्निंग अफसर हैं प्रेक्षा गृह में, उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है। हमारे 21 रिटर्निंग अफसर हैं और 380 सहायक रिटर्निंग अफसर हैं, इसका मतलब आरओ और एआरओ हैं जिनका प्रशिक्षण चल रहा है, और इसके बाद ये जो आगामी काउंटिंग है 2 तारीख को पंचायत की, उसमें ये प्रतिभाग करेंगे और काउंटिंग कराएंगे। क्या-क्या जानकारी दी जाएगी? आज इनको ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कितनी टेबल होंगी, काउंटिंग कैसे की जाएगी, और डिटेल एक बुकलेट है जो आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो हमारे प्रशिक्षक हैं वो एक विस्तृत प्रशिक्षण इनको दे रहे हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी इन लोगों को अवेलेबल करा देंगे। हमारे यहाँ लगभग 756 टेबल लग रही हैं, जिसके विरुद्ध लगभग 10,000 कार्मिक होंगे, मतगणना कार्मिक होंगे। कल से उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 30 तारीख तक चलेगा, और प्रशिक्षित करके उनको ब्लॉक पहले से आवंटित है और उस ब्लॉक पे जाकर के वो मतगणना का कार्य कराएंगे। जिलाधिकारी महोदय का एक परामर्शात्मक निर्देश है कि जो एजेंट साहबान आ रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि वो 72 घंटे पूर्व का अपना एंटीजन या RT-PCR टेस्ट करा लें, जिससे कम से कम ये स्योरिटी रहे कि वो कोविड पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह से जो हमारे मतगणना कार्मिक हैं वे भी अपनी जांच करा लेंगे तो अच्छा रहेगा।